तो फरीदाबाद में हमारे महाशय जी कहते फिर रहे हैं 10 साल से क्या रहे, ये मझावली का पुल बना रहे हैं, मझावली का पुल बना रहे हैं, लेकिन अपनी जमीनें खरीदते रहे पुल के आसपास, वो पुल बनने नहीं दिया, जानबूझ के पूरा नहीं होने दिया कि अपनी जमीनें खरीद लें, जब जमीनें पूरी हो जाएंगी तो तब पुल का निर्माण होना चाहिए। वो जमीनें खरीदते खरीदते इतनी दूर हो गई कि चुनाव आ गया, पुल का निर्माण कम्प्लीट नहीं हुआ। अमूल यूनिट लेकर आए, मदर यूनिट लेकर आए, लेकिन 10 साल में एक भी मदर यूनिट ये लोग लेकर नहीं आए, बल्कि 10 साल में जो बाटा कंपनी थी वो जरूर बंद हो गई इनकी सरकार आते, और अब इन्होंने खरीद भी ली है, उसमें प्लॉटिंग करेंगे हम, उसमें प्लॉटिंग करेंगे। कहीं भी चले जाओ हर जगह इनकी प्लॉटिंग चल रही है। मिलन और अमोलिक दोनों ने ही पूरे फरीदाबाद पे कब्जा कर लिया, तो क्या आपने चुना था इस चीज के लिए इनको? क्या जनता ने इनको इस चीज के लिए चुना था कि अपने होटल पे होटल बनाए जाओ, अस्पताल पे अस्पताल, स्कूल पे स्कूल, शॉपिंग मॉल, ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज, कॉलोनीज, और विदेशों में जा जाकर भी जमीनें खरीदो? क्या इसके लिए आपने चुना था? इन 10 सालों में इनकी कहां से ऐसी कमाई हो रही है? कौन सा पेड़ है जिसपे नोट झड़ रहे हैं? ये आपकी और हमारी जेब का पैसा है।